अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अवैस शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वैली। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर सिक्स केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी दरख्वास्त है आपसे कि हमारे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सीरी वाइज अपलोड किए हैं, यानी कि आपके चैप्टर नंबर वन से लेके फाइव तक, बल्कि पूरी किताब के जो है चैप्टर वो अपलोड कर दिए गए हैं, वो आप सीरीज के अंदर लाजमी देखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में से निकाले गए हैं और तमाम बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, तमाम बोर्ड्स के ये इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसलिए ये आप तमाम जो है वो क्वेश्चन लाजमी देखें और तवज्जो से सुने ताकि आपको पेपर अटेम्प्ट करने का भी पता लग जाए। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जो आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो पेपर के अंदर आपको ओवरऑल तमाम पेपर्स में से 40 से 50 मार्क्स आपके ओवरऑल बढ़ जाते हैं। एक राइटिंग बहुत इफेक्टिव जो है वो असर करती है और दूसरा आपके पेपर प्रेजेंटेशन। तो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप लाजमी देखिएगा। केमिस्ट्री का ही मैंने अपलोड किया है और एक नॉर्मल स्टूडेंट की जो राइटिंग है उसके अंदर बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन वो मैंने आपको दी है, ताकि आप जो है अच्छी राइटिंग के लिए तो बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती। इस वजह से मैंने मुनासिब सा काम किया है ताकि तमाम स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सोल्यूशन। तो स्टूडेंट, अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन सॉल्यूशन तो आप एग्जांपल नहीं देते, आपको स्टूडेंट्स कभी भी दो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको डेढ़ नंबर मिलेगा, क्योंकि मैं खुद भी जो है वो ये काम चेकिंग के अंदर अपना किरदार अदा कर चुका हूँ, बहुत सा इसके अंदर मुझे आइडिया है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्वस सॉल्यूशन, आपने इसकी भी लाजमी एग्जाम्पल देनी है एक्वस सॉल्यूशन की भी। नेक्स्ट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगेन जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट याद रखें बेटा, हमेशा दरमियान में लाइन लगा के लिखा करें। आप क्या करते हैं, ऊपर सॉल्यूट की डेफिनेशन, नीचे सॉल्वेंट की डेफिनेशन, इफेक्टिव जो है वो आपका व्यू नहीं आता पेपर के अंदर, चेकर के लिए प्रॉब्लम होती है। तो आप जितना चेकर के लिए आसानी करेंगे उतना आपके लिए भी आसानी होगी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिफाइन कंसंट्रेशन यूनिट। स्टूडेंट्स, ये आपने डेफिनेशन के साथ साथ तमाम कंसंट्रेशन यूनिट के नाम लिखने हैं, उनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ नाम लिख के आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज मास बाय मास एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। स्टूडेंट, इसके साथ साथ दो और क्वेश्चन जो हैं वो मैंने लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय मास, इनकी भी डेफिनेशन और फार्मूला लाजमी लिखें। नेक्स्ट, डिफाइन मोलैरिटी, इसके बाद मोलर सॉल्यूशन, अगेन एग्जांपल, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, इसके फैक्टर ये किस तरह किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत दफा पेपर्स में आ चुका है, तो काइंडली आप ये क्वेश्चन लाजमी तैयार करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आप मार्कर का इस्तेमाल पेपर में लाजमी किया करें, हेडलाइटर कोशिश करें आपका ब्लू मार्कर हो, नॉट ब्लैक, ब्लैक मार्कर नहीं होना चाहिए, और जो आपका पेन है वो लाइट ना लिखे, काइंडली आपका पेन थोड़ा सा डार्क लिखे। इसका नुकसान ये होता है कि पेपर आपके थोड़ी देर बाद चेक होने होते हैं, तो लाइट पेन और लाइट हो जाता है, क्लियर व्यू नहीं आ रहा होता है पेपर का, तो चेकर के लिए अगेन प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ा डार्क पेन इस्तेमाल करें। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप ब्लू इंक के अंदर आप थोड़ी सी एक या दो या तीन ड्रॉप ब्लैक इंक के डाल लें, एक छोटी बॉक्स जो होता है आपका ब्लू इंक का, उसके अंदर एक दो या तीन ड्रॉप ब्लैक इंक के डाल लेंगे तो आपका जो इंक है वो डार्क हो जाएगी और आपका जो है पेपर जो है वो आपका जो है महीने डेढ़ दो महीने बाद चेक होना होता है तो वो लाइट नहीं होगा, वो डार्क ही रहेगा, तो आपका फायदा ही होगा उसमें। आपको उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।